वर्तमान सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लगातार गुमराह और भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व यह पहली कर्मचारियों की एक मांग रखी थी कि पहले उनकी आते ही कैबिनेट में जो है उनको पेंशन, पुरानी पेंशन का जो प्रावधान सरकार करेगी, लेकिन आज चार महीने भी जाने के बाद भी सरकार ने अभी जो परसों इसकी नोटिफिकेशन की है उसमें कोई भी स्थिति जो है सरकार ने स्पष्ट नहीं की है। सरकार ने अगर यही मंशा थी कि कर्मचारियों की जो ओल्ड पुरानी पेंशन बहाल करनी थी तो उसमें इनकी जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही वर्ष 2004 में जिस सरकार ने इसको बंद किया था, 1972 के पेंशन रूल में ये प्रावधान है कि सरकार उसकी नोटिफिकेशन को रद्द करके नई नोटिफिकेशन जारी कर देती, लेकिन सरकार कर्मचारियों को उलझा रही है, कभी राजस्थान कभी छत्तीसगढ़ की बात कर रही है। इसमें कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है कि किस तरह से कर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन का भुगतान होगा। और बड़ी दुख की बात हम ये भी कह रहे हैं कि इनकी जहां और सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये घोषणा की लेकिन वहाँ के अनेकों कर्मचारी जो हैं इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में चले गए हैं, वहाँ भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के जो पेंशनर हैं, कर्मचारी हैं, उनको 8% अभी महंगाई भत्ते की किस्त जो है वो दे रहती है। केवल मात्र 3% की नोटिफिकेशन जो है सरकार ने, जो शिमला में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके दबाव में आके सरकार ने आनन फानन में परसों रात को इसकी नोटिफिकेशन जारी की। अगर सरकार ने जब 15 तारीख को घोषणा कर दी थी तो 20 तारीख तक इसकी नोटिफिकेशन होती तो कर्मचारी और पेंशनरों को इस महीने इसका लाभ मिल सकता था, अभी जाके मई में मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश के हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं उनको अभी भी हर महीने जो है अंत में जाकर के उनको पेंशन और जो उनकी सैलरी है उसका सरकार जो है भुगतान कर रही है, जो कि बड़ी दुख की बात है। और शिमला में जो स्थित कर्मचारी हैं, नए वेतनमानों के बारे में सरकार ने अभी तक ये जो शिमला के कर्मचारी हैं उनको कैपिटल अलाउंस देने की बात नहीं हुई है, नए वेतनमान पे उनको जो भत्ते मिलने हैं उसकी बात नहीं हुई है। और प्रदेश में जो 4 लाख के करीब कर्मचारी और पेंशन है उनके नए वेतनमानों के जो महंगाई भत्ते को मिलाकर के जो अन्य भुगतान है वो सभी पेंडिंग पड़े हैं। सरकार ये कह रही है कि जो इनके देव राशि है उसका सरकार आगामी 2 वर्षों में भुगतान करेगी। तो हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।